विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व उप प्रमुख परिचालक प्रबंधक रणविजय सिंह और अन्य अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि को आयोजन समिति द्वारा अंगवस्त्र और स्मृति देकर सम्मानित किया गया। दूसरे दिन के खेल समारोह में बीए प्रथम वर्ष की लड़कियाँ अनुपमा, प्रियंका, रूपम और राधिका ने 400x4 रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बीए प्रथम वर्ष के लड़कों में अनुव कुमार यादव, आलोक कुमार यादव, सुधीर यादव, पर्दुमन पासवान ने 400x4 रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लड़कों के 100 मीटर दौड़ में सूरज मौर्य और लड़कियों के 100 मीटर दौड़ में प्रियंका को प्रथम स्थान मिला। वार्षिक खेल समारोह में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा प्रियंका ने 8 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 10 मेडल लिए और बीए प्रथम वर्ष के छात्र विश्वजीत साहनी को 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ कुल 10 मेडल लिए। वार्षिक खेल समारोह ओवरऑल विजेता बने। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद मुझे कॉलेज का इस तरह का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। हम लोग इस तरह के क्रीड़ा समारोह के आयोजन करवाते थे और देखते भी थे, लेकिन वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे जो यहीं से निकलकर आते थे। वार्षिक खेल समारोह में नेहा शर्मा, दुर्गेश्वरी, रेखा गुप्ता, सूरज मौर्य, विश्वजीत साहनी, सलोनी यादव सहित कुल 112 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ सिंह, प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान सिंह, क्रीड़ा अधीक्षक अवधेश कुमार शुक्ल सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्य और प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। समारोह के ओवरऑल चैंपियन खिलाड़ियों विश्वजीत साहनी और प्रियंका ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा। अनुपमा की टीम का एक ले लो, बीच वाले का, चलो भागो, पकड़ो, चलो कौन से और कोई पकड़ा रहे आराम से इधर आ जाओ ना तू, इधर इधर जाओ, इधर आ जाओ बेटा, बेटा बैठ जाओ, ड्रिफ्टिंग का मामला हो चाहे रेसलिंग का मामला हो, हाँ, और फर्स्ट प्लेस पाने वाले कौन है? ये बच्चे लाभान्वित हो गए, ये अच्छी बात है। आप लोग इस लड़के का स्टेप देखिए, स्टेप देखिए, ये होती मित्र डॉक्टर अखंड सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख बलिया, मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर, दो को और भेज देते, आओ उनको भी बुलाओ, अखंड सर को, अखंड सर को बुलाओ, आप चलो। तो उत्तर रेलवे को जन प्रशासक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आपकी कमी तो खल ही रही है, लेकिन साहित्य की दुनिया में उसकी भरपाई आप Oh, my God.
और सेकंड ये है, सेकंड रेड वाला कौन है? जी सानी सेकंड सूरज कुमार खाट 100 मीटर सबसे तेज धावक कॉलेज की। और ये मेडल पहनाते हुए आज की मुख्य अतिथि और प्राचार्य जी थोड़ा सा और इधर आ जा बेटा, मेडल वाले को आगे करो। मेडल बहुत दिनों बाद मुझे कॉलेज का इस तरह का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। हम लोग इस तरह के क्रीड़ा समारोह आयोजित जरूर करवाते थे और देखते भी जरूर थे, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे जो कि यहीं से निकल कर जाते थे। तो खिलाड़ियों की इस नर्सरी को देख करके आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल पढ़ने के लिए आना, केवल शिक्षा ग्रहण करना और उसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना, ये अधिकांश लोगों का उद्देश्य होता है, अधिकांश विद्यार्थियों का उद्देश्य होता है। खेलों में वही लोग आते हैं जिनकी उसमें रुचि होती है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि अपने अभिभावकों से भी छूट मिली रहती है कि वो खेलों में भी भाग ले सकें। सुविधाएं भी बहुत कम हो गई हैं, मैदान बहुत कम हो गए हैं, उनकी उपलब्धता कम हो गई है, लेकिन फिर भी इतने खिलाड़ी, इतने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, वो ये दर्शाता है कि अभी भी काफी विद्यार्थियों में खेल की भावना बनी हुई है। विद्या का वैसे तो मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सभ्य बनाना है और अगर श्लोक पर, संस्कृत के श्लोक पर विश्वास किया जाए तो विद्या विनय देती है और विनय से योग्यता आती है और योग्यता से पैसा आता है और पैसे से सुख आता है, लेकिन वो सुख तब तक अधूरा रहता है जब तक कि आप शारीरिक रूप से सक्षम न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि आप व्यायाम करें, आप खेलों में भाग लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य निरंतर उत्तम बना रहे। आप लोग बहुत देर से इस धूप में खड़े हैं, निश्चित ही बहुत उपदेश आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक चीज और है कि इस आज खेलों से भी लोग बहुत, खेलों में भी कैरियर है, खेलों से लोग पैसा कमा रहे हैं, न खेलों से खिलाड़ी लोग ही पैसा कमा रहे हैं बल्कि टेक्निकल एडवाइजर्स भी पैसा कमा रहे हैं। एक एक खिलाड़ियों के लिए मैनेजर होते हैं, कोच होते हैं, प्रैक्टिस पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि करोड़ों में, अरबों में खिलाड़ियों की आमदनी है।
मैं विश्वजीत सानी डिवीजन डीसी से लड़कों में ओवरऑल चैंपियन हूं। 800, 1505 किलोमीटर 10 किलोमीटर में मेरा गोल्ड है और दो रिले रेस में सिल्वर और 100-200 मीटर में सिल्वर है। एक ट्रिपल जंप में कांसा है। कौन सा खेल ज़्यादा प्रिय और आगे की क्या रणनीति है, कैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है और आगे मैं सेना में होना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रियंका नाम है और गोल्ड मेडल हमको लंबी कूद, लंबी ऊंची कूद में और ट्रिपल जंप रनिंग में 200 मीटर 100 मीटर 400 मीटर में गोल्ड मेडल मिला है और जिस कॉलेज से है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। ओवरऑल चैंपियन आप बनी हैं। हाँ। कितने गोल्ड मिले टोटल? 8 गोल्ड और 2 सिल्वर। अच्छा, आगे की क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? फुटबॉलर बनना।